क्योंकि मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से भी है, लेकिन कसूर ये है कि मैं एक छोटे सूबे से ताल्लुक रखता हूँ बलूचिस्तान से। और कल जो मैंने तजवीज़ परसों दी थी कि हमारी नुमाइंदगी बढ़ाई जाए, उसका मकसद यही था कि यहाँ हमारी आवाज़ को कोई नहीं सुनता है। मैं इससे पहले स्पीकर भी का अवार्ड मैंने लिया है बलूचिस्तान में, लेकिन यहाँ पे मैं पहली दफा आया हूँ, चूंकि आप मुझे नहीं जानते। कल से मैं उठक बैठक कर रहा हूँ, कल से आप देखे बलूचिस्तान की तरफ से किसी ने तकरीर नहीं की। और स्पीकर साहब, बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी, मैं बलूचिस्तान की वो बात करना चाह रहा था। जो हालात है ग्वादर, जो बलूचिस्तान की नहीं पाकिस्तान की पहचान है, लेकिन वहां चेक करें बारिशों ने क्या तबाही मचाई। नौशकी, चमन, किला उदला, अरनाई और पंजाब को जो शहरा था बंद था। रोब और पंजाब और इस्लामाबाद का शहरा है वो बारिशों की वजह से बंद था। सिबी और अरनाई का जोर चुका है, 17 के करीब लोग अमवात हुए हैं और इसके अलावा जख्मी। तो बलूचिस्तान इस वक्त अब मजीद पेशगोई हुआ है कि 2 दिन के बाद फिर वहां बारिश का एक रिला रहा है। तो मैं आपसे तौसत से, इस ऐवान के तौसत से, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, पिछले साल जब बारिशें हुई थी तो शहबाज शरीफ साहब 8-9 दफा एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बलूचिस्तान का दौरा किया था। और मैं शहबाज शरीफ साहब से फिर अपील करना चाहता हूं, जैसे पिछली दफा आपने ताउन किया था, अब फिर आपके ताउन का इंतजार हो रहा है बलूचिस्तान में। तो बलूचिस्तान क्वेटा, जो बलूचिस्तान का कैपिटल है, वहां पे बारिश में अगर आप जाकर वहां जो मजाफात और उनके जो सिटी एरिया आप देखेंगे, बुरा हाल है। तो जनाब स्पीकर साहब, खुदा रा अमीर मुकाम साहब बैठे हुए, मिनिस्टर साहब, आप प्राइम मिनिस्टर साहब तक मेरा ये पैगाम पहुंचाए कि जैसे पिछले साल आपने बलूचिस्तान के साथ मदद की थी, अब फिर बलूचिस्तानी आपकी मदद का तलबगार है और इंतजार में है। और उस वक्त एक मैं उनके साथ था जब वो एक झोंपड़ी में चला गया, एक गरीब लड़का था जो इंतहाई जहीन था। जब शहबाज शरीफ साहब की नज़र उस पर पड़े तो उन्होंने उसको प्री तालीम के लिए दुनिया में पाकिस्तान में जिधर उसकी ख्वाहिश थी, उसने ऑफर की कि मैं आपको मुफ्त पढ़ाऊंगा। शुक्रिया। तो इसी जज्बे के तहत इस वक्त फिर बलूचिस्तान में काफी सारे अजला में नकल मकानी हो रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया, तो मेहरबानी माइक खोले कागर साहब। स्पीकर साहब, आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट ये है, कि चूंकि बलूचिस्तान एक इकाई है जो आबादी के लिहाज से बेशक कम हो, लेकिन बहुत प्यारा सूबा है, बहुत बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से, आप बलूचिस्तान को भी जब इस तक की डिबेट होगा तो बलूचिस्तानियों को भी बेशक कम तादाद में कम है, हमें मौका दिया करें। बहुत मेहरबानी। थैंक यू। दिस हाउस इज अजर्न।